हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि अभी तक आपने बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग एक, भाग दो, भाग तीन का प्रशिक्षण ले लिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग चार। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और इससे आसान हो जाएगा आपका यह प्रशिक्षण लेना। और एक मेरी आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू अदर फ्रेंड्स। तो आओ मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग चार, बहुविकल्पीय प्रश्नावली। हाँ तो मित्रों, ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है भाग चार, इसे आप देखिए और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। भाग चार है पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका। हमारी भूमिका यानी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आइए पहले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न एक, इस कोर्स के भाग तीन से आपने क्या जाना। तो हर भाग को जो है एक दूसरे भाग से जोड़ते हुए जाना है मित्रों। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है, आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं। पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है, जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका हो वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। हर बच्चे का पढ़ना सीखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा से जोड़ने के अवसर दिए जाएं तो वह बेहतर सीखते हैं। तो बताइए मित्रों, क्या होगा सही जवाब आपका। अगर आप जो है इस प्रश्न के जितने भी विकल्प दिए गए हैं, अगर ये सब सही आप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि भाग तीन में ये सारी बातें निकल करके आ रही थी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम और भाग चार से संबंधित क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। राधा 3.5 साल की है, उसके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऑफिसर है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। उसके घर में हर तरफ किताबें नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उसके किचन में भी किताबें रखी रहती हैं। घर का कोई भी सदस्य किसी के पढ़ने पर जोर नहीं देता है, यानी बलपूर्वक किसी को नहीं पढ़ाता, लेकिन उसके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो एक दिन राधा अपने दोस्त से कहती है कि वह पढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही थी कि वह पढ़ सकती है। इस प्रश्न में आपको एक बात ध्यान रखना है कि राधा 3.5 साल की है, यानी राधा की उम्र 3.5 साल है और वो कह रही है कि वह पढ़ सकती है। अब बात करते हैं जो ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहे हैं कि वह दिखावा कर रही थी, वह अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी, उसको झूठ बोलना पसंद है। तो आप सोचिए, क्या इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। हकीकत यह है कि वो बच्चा, कोई भी बच्चा जिस तरह के परिवार में पलता है उसी तरह वो अपने आप को दिखाता है, उसी तरह वो अपने आप को जो है बताना चाहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब यही होना चाहिए कि वह अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी, यानी ऑप्शन टू आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्न नंबर 3 है, दोस्तों इन घटनाओं के बारे में आपको क्या कहना है? यह आपको बच्चों के बारे में क्या बताता है? बच्चों को अपने बारे में झूठ बोलना अच्छा लगता है? बच्चे बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में रुचि खो देते हैं? बच्चों को असक्षम या अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विकल्प नंबर 3 सही है इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम बड़े। बड़े का मतलब यह है कि आप माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या आप शिक्षक हो सकते हैं। तो हम बड़े ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों से अपनी अधिक जानकारी को एक राज रखें, उनको यह मानने पर मजबूर करें कि वह कितना कम जानते हैं। संवेदनशील होकर यह कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो। वह जितना कर रहे हों उन्हें वहीं रहने दें। आप सोचिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब है? तो मित्रों, मेरे हिसाब से इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है कि संवेदनशील होकर यह कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षाओं में इनमें से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 2 हैं आपके पास, अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों के जोड़े बनाना, कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। अब आप बताइए आप इनमें से क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो इनमें से आप दोनों कर सकते हैं, इसलिए यह दोनों ही विकल्प सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा, दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए। एक सच्ची उत्सुकता। तो इस प्रश्न का जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब, सारे ऑप्शन इसके सही हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन इस प्रश्न के राइट हैं मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आप हरी की जगह होते तो कैसी प्रतिक्रिया देते? शायद वैसी ही जैसी हरी ने दी, अध्यापिका से सीखने की कोशिश की होती। दरअसल इस प्रश्न का सही उत्तर आपको तब पता चलेगा जब आप प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण में बहुत सारी बातें जो होती हैं वो वर्बल मौखिक रूप से कही जाती हैं और उसके बाद प्रश्न दे दिया जाता है। तो हकीकत तो यही है कि अगर आप प्रशिक्षण नहीं भी लिए हैं तब भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं एक टीचर होने के नाते। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शन 1 सही है, शायद वैसी ही जैसी हरी ने दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा नाम की एक लड़की है, चंद्रमा को एक कहानी पढ़ने के लिए कहा गया, वह कहानी उसे बहुत पसंद थी। उसने कहानी की शुरुआत में कहा कि एक साजा था, फिर बाद में सुधार करते हुए उसने बोला कि एक राजा था। दोस्तों ऊपर की जो लाइनें हैं वो मैंने अपने अनुसार जो है निर्मित किए हैं, आप जब प्रशिक्षण लेंगे तो आपको वहाँ पर असल बात मालूम होगी, लेकिन प्रश्न जो है वो आपके सामने बिल्कुल हकीकत है। क्या लगता है अभी क्या हुआ था? यानी चंद्रमा ने पहले गलत पढ़ा फिर बाद में सही पढ़ा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? चंद्रमा ध्यान नहीं दे रही होगी, शब्द बहुत ही मुश्किल था, वह शायद कुछ देर के लिए भूल गई होगी, हम सभी भूल जाते हैं, वह कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी।
तो इन चारों विकल्पों में से आपको क्या सही लगता है? मुझे तो चौथा विकल्प ही सही लग रहा है कि वह कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी, इसीलिए उसने गलत शब्द बोल दिया। और जब उसको एहसास हुआ होगा कि वो गलत शब्द उस कहानी में कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसने उसका सही यानी कि सही उच्चारण किया और उसने सही शब्द पढ़ा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे टोकती रहती तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? यानी बच्चा जैसे ही गलत करे, अगर हम तुरंत उसको टोक देंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वह अपनी गलती का एहसास करती और शिक्षिका को उसके लिए धन्यवाद करती? उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती? वह कभी उस शब्द को दोबारा गलत नहीं पढ़ती? आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हमारे हिसाब से तो इसका दूसरा उत्तर सही है, उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती, क्योंकि बच्चे को पहले खुद सोचने देना चाहिए। बच्चा जो है खुद सोच करके सही बोलने की कोशिश करेगा, उसके पहले ही हम उसको जो है टोक देते हैं और उसको सही चीज़ें बता देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक ऐसी सामग्री देनी चाहिए, कैसी सामग्री बच्चों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे? बढ़ावा को भूल जाओ, नियम सिखाओ, जो थोड़ा थोड़ा दोनों सिखाए, जो थोड़ा थोड़ा दोनों दिखाएं। तो आप सोचिए इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, बच्चे को जो है और सीखने के लिए बढ़ावा दे और उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति जागृत हो। तो अगला प्रश्न है मित्रों, इस कोर्स के भाग 4 में आपने क्या सीखा? देखिए भाग 4 में यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको विचार करना है कि इनमें से क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वह महफूज, खुद पर विश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। साथियों से सीखना और उन्हें सिखाना एक अच्छा तरीका है। सीखने से जानने तक की यात्रा काफ़ी लंबी होती है। हम अंदाज़ों को निरंतर परख कर सकते हैं। शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने में समर्थन देने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बच्चों में विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वह अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएंगे। अगर वह नहीं पहचान पाते तो उनको प्यार से सही दिशा की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने लिए स्वयं पठन सामग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पठन सामग्री शिक्षक के उद्देश्यों और बच्चों की रुचि दोनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। अब बताइए कि इसके कौन कौन से जवाब सही हैं, यानी आपने इस भाग में क्या क्या सीखा। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में जितने विकल्प दिए गए हैं सारे के सारे विकल्प सही हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस प्रशिक्षण के भाग 4 से ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो मित्रों, यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपके लिए जा रहा हूँ अगले भाग का वीडियो बनाने। प्रश्न जो पांचवा भाग है आकलन का, उसका भी वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। आप ऐसे ही चैनल पर अपना प्रेम बनाए रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके प्रेम और स्नेह का प्रतिफल आज मुझे मिला है। आज मेरे जो है 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अपना प्रेम स्नेह और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद कि आप मेरे चैनल पर आए, अपना प्रेम बांटे और हमारी अनर्गल वीडियोस को आप देखें। मित्रों, ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए और एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आपसे यही आशा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नमस्कार।